हेलो राम राम मेरे मिस्त्री भाइयों, मैं राज मिस्त्री मुकेश। मैं आज लेंटर वाला बीम आपको दिखाऊंगा, तो आप देखना देखते रहिए। तो ये मैं माल तैयार करवा रहा हूँ, तो इसमें ये 9 बठले ग्रीट है और 9 बठले क्रेशर है, तो ये इसमें इकट्ठा डाल रहा हूँ मैं, तो वो मजबूत होता है कि जैसे जीरो रोटी का माल इस्तेमाल मत करना, जैसे कि 9 बठले ग्रीट आधा इंची और 9 बठल क्रेशर, उसमें इकट्ठा सीमेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बहुत ज़्यादा मजबूती आती है। पर बीम का लेंटर कैसे लगता है, तो ये मैं आज आपको दिखा दूंगा कि हमेशा जब नीम भरो तो ऊपर का बीम वाला लेंटर ही लगाए ताकि वो मजबूत रहता है। इस तरह मैं आपको भी दिखाता हूँ, चलो जरा हूँ हमारे पास हूँ ऑफिस कैमरा में। मैंने बनाया है, ये 3/7 का बीम है, तो ये बहुत मजबूत रहता है, तो इसे आप जब नीचे का लेंटर बीम से लगाएं तो 2-2 सीढ़ियाँ मत करना, जैसे कि 4 सीढ़ियों का बीम बनाना, वो बहुत मजबूत रहता है। तो ये मैंने 8-8 इंच पर ये 10-10 इंच पर ये रिंग बनवा दी है ताकि बहुत मजबूत रहता है। तो अब ये मेरे दादा गुरु है, तो ये मैंने जब बीम वाला लेंटर नीचे लगाया तो मैंने खुद जाकर पता कर लाया हूँ मैं उसे, तो ये देखने के लिए आए कि काम सही है कि गलत है। तो क्योंकि जब आपका भी कोई दादा गुरु हो या खुद का गुरु हो तो उसे काम दिखाना बहुत जरूरी होता है आपका। एक्चुअली जी किस तरह काम कर रहा हूँ मैं, देखो भाइयों अगर बात करते हो भाई कि गुरु अगर ज्ञान नहीं है तो गुरु होगा तो कन्नर गेला रे, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से लिया भोड़ा चेला, के गुरु कर ले जाना भोड़ा नुगरा ना रेवड़ा, के गुरु के बचन चेला अमृत पीवना। देखो नुगरा पर काम ना करिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जब गुरु होगा तो करने पकड़िए, बगैर गुरु करने नहीं पकड़िए। गुरु का गुरु धारण करने अवश्य होता है, गुरु जो मरा हो या जिंदा हो उसको वो साथ देगा, उसने गुरु जब बुलाएगा तब काम करेगा, जब कोई गलती होगी तो कान का हाथ लगाएगा, वैसे ये गुरु महाराज मेरे को बताओ जब तब आएगा हाथों हाथ तुरंत ये कहेगा ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है मेरे भाइयों दोस्तों, नमस्कार। हाँ तो मैंने ये शुरू कर दिया अभी भाई साहब,
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।